वेलकम टू मधुमास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सिंपल रेसिपी बिरयानी का, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी के लिए मैरिनेशन के लिए जो भी चाहिए होगा वो मैंने यहाँ लिखा है, और उसके आगे के लिए जो भी कुछ चाहिए होगा वो मैं बताने जा रही हूँ। चॉप प्याज, आलू, अंडे। अंडे आप अपने हिसाब से 2 या 3, 5 जो भी चाहिए ले सकते हैं। होल गरम मसाला, नटमेग पाउडर, चॉप टमाटो, घी और राइस। राइस में आप बासमती राइस भी ले सकते हो, मैंने सादा राइस लिया है। अब आगे की तैयारी। अब मैं प्याज फ्राई करने वाली हूँ, उसका बेरस्ता बनाने वाली हूँ। प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक मैंने फ्राई किया है। अभी मैं आलू को भी फ्राई करने वाली हूँ गोल्डन कलर आने तक। आलू को फ्राई कर लिया मैंने। अभी इसके बाद मैं चिकन को चढ़ाने वाली हूँ। तो चिकन चढ़ाने के लिए पहले मैंने होल गरम मसाला डाल दिया, जिसमें सब कुछ है, जायत्री है, तेजपत्ता, काली मिरी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। इसको अच्छे से थोड़ा मैंने भून लिया। उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को थोड़ा लाल होने तक फ्राई करना पड़ेगा, गोल्डन होने तक थोड़ा फ्राई करूँगी। थोड़ा गोल्डन होने को आया, अभी मैं उसमें चिकन डाल दिया, मैरिनेटेड चिकन था वो डाल दिया। उसमें मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा चिकन मसाला पाउडर, चिकन मसाला पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला मैंने, करीब 3 चम्मच के करीब। उसके बाद चॉप टमाटो डाल दिया मैंने। उसके बाद जो फ्राई करके मैंने आलू रखा था वो भी डाल दिया। तो थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तेल के अंदर, तो थोड़ा आप नमक डाल दिया मैंने। अब मैं इधर चावल की तैयारी कर रही हूँ। चावल बनाने के लिए मैंने सादा तेल लिया है, मीठा तेल। आप चाहें तो उसमें थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिंपल ही रखा है। इसमें मैंने होल गरम मसाला डाल दिया, इसमें भी मैंने वही डाला है, तेजपत्ता, काली मिरी, दालचीनी, जायत्री, छोटी इलायची, लौंग, थोड़ा सा इसको भून लिया मैंने। यहाँ पे अगर आपके पास मतलब आपको चाहिए तो आप प्याज थोड़ा फ्राई कर सकते हैं, उसके बाद लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं, उसके बाद चावल डाल सकते हैं। मैंने तो पहले ही चावल डाल दिया आज, क्योंकि थोड़ा जल्दी था तो इसके लिए मैंने सिर्फ चावल डाला। उसके बाद में चावल को फ्राई करने के बाद में उसमें चिकन डाल दिया। चिकन और चावल को अच्छे से मिला के मैं गरम पानी डाला मैंने। अगर चावल जितना है उसका जस्ट डबल पानी डालना पड़ता है, तो मैंने 5 कटोरी चावल लिया था तो 10 कटोरी के करीब मैंने गरम पानी डाला, अच्छे से मिक्स करके। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा ऊपर से डाला, क्योंकि चावल में तो नमक नहीं डाला था।
थोड़ा सा उबाल आ जाने के बाद में उसको ढक दीजिए और धीमी आंच पे ढक दीजिए आधे घंटे के लिए। बिरयानी इज रेडी। ऊपर से मैंने घी डाला और प्याज का जो मैंने रस्ता बना रखा था वो डाल दिया और अभी नमक पाउडर भी मैंने डाला। अगर आपके पास इस समय गुलाब जल या मीठा अदर वगैरह कुछ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। पुदीना वगैरह जो भी है आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो चिकन बिरयानी इज़ रेडी टू सर्व।